हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनीमिया या खून की कमी के बारे में। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर फीमेल्स और बच्चों में देखने को मिलती है। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे कि एनीमिया क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी जिसको लेकर आप बहुत ही कम टाइम में अपने एनीमिया की प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम जाने कि एनीमिया या खून की कमी क्या होता है, हम थोड़ा सा जान लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में बेसिकली तीन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। पहली होती है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को फाइट करने का काम करती है। दूसरी होती है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करती है। तीसरी जो सेल होती है वो होती है प्लेटलेट्स, जिसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी शरीर में कहीं पर भी जब चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो उसको क्लॉट करने का काम करती है। तो ये मेजर तीन टाइप की सेल्स होती हैं। अब जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया बेसिकली वो कंडीशन है जहाँ पर हमारी बॉडी में RBC यानी रेड ब्लड सेल या तो कम हो जाए या फिर RBC के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन कम हो जाए, उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि RBC का काम होता है कि वो लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे हर टिश्यू, हमारे हर सेल तक लेके जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेके आता है। ये काम RBC परफॉर्म कर पाता है क्योंकि उसमें एक आयरन रिच प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हमारे जो ब्लड का कलर होता है रेड, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या फिर RBC की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए, हमारे जेंडर, हमारी एज और बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इन जनरल अगर मेल्स में 13 mg/dL और फीमेल्स में 12 mg/dL से कम है हीमोग्लोबिन, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के वैसे तो बहुत सारे कॉज होते हैं, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। उसमें भी स्पेशली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसके अलावा और भी फोलेट डिफिशियंसी, विटामिन B12 और विटामिन ए डिफिशियंसी की एनीमिया भी बहुत कॉमन देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से भी एनीमिया डेवलप हो सकता है, जैसे कि मलेरिया, HIV इन्फेक्शन हो गया, या फिर कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से भी एनीमिया डेवलप होता है। अगर हम WHO के डेटा की बात करें तो वर्ल्ड में जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं, उनमें 1/3 फीमेल्स को एनीमिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा 40% प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम है उनमें भी 40% बच्चों को एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्पेशली इंडिया में न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज हमारी जो डाइट होती है वो न्यूट्रिशन लैक करती है, हम प्रॉपर एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। अब अगर हम एनीमिया के कॉजेस की बात करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। अगर किसी भी वजह से आपको ब्लड लॉस होता है, या तो एक्यूट ब्लड लॉस हो या क्रोनिक, तो उसकी वजह से आपको एनीमिया डेवलप हो सकता है। क्रोनिक ब्लड लॉस मतलब आपको कोई पेप्टिक अल्सर है, कोलोन कैंसर है, या कोई आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन है, या फिर अगर फीमेल्स में उनको पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से उनको ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया डेवलप हो सकता है। एक्यूट ब्लड लॉस की बात करें तो अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ, या आपकी कोई सर्जरी है उसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ, तो उसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो सकता है। दूसरा है एनीमिया ड्यू टू लो प्रोडक्शन ऑफ RBCs। RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारे बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, स्पेशली लॉन्ग बोन्स की मैरो में। तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बोन मैरो का कैंसर हो गया, या फिर आपके बोन मैरो को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर प्रोटीन, आयरन और विटामिन्स नहीं मिल पा रहे, जिससे वो RBC को फॉर्म करे, तो इस वजह से भी एनीमिया डेवलप हो सकती है। इसमें बेसिकली आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशेंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, ये एनीमिया जाते हैं।
थर्ड होता है एनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। नॉर्मली आरबीसीज का लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज का होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसीज जो होती है 120 डेज से पहले ही उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वो मरने लग जाती हैं, तो इस वजह से भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। इसमें बेसिकली सिकल सेल एनीमिया आता है और कुछ इन्फेक्शियस एनीमिया जैसे कि मलेरिया के कंडीशन हो गई, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये बेसिक तीन टाइप्स हो गए जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होता है। अब हम एनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको साइंस एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकावट लगना, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, साथ में आपको चलते टाइम बहुत ज़्यादा सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस होना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा काम करते हुए आपकी सांस फूल जाती है। इसके अलावा हाथ पैर जो होते हैं वो ठंडे रहते हैं, उनकी स्किन जो होती है येलो या वाइट सी दिखाई देने लगती है, आपके टंग का कलर, आपके नेल्स का कलर जो है वाइट होने लगता है, आपकी स्क्लेरा जो होती है ये वाइट या येलो दिखाई देने लगती है, साथ में जो आपका हार्ट रेट होता है वो भी असामान्य हो जाता है, ज़्यादातर हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैरों में ऐंठन सी रहती है, दर्द रहता है पैरों में और चेहरे पर सूजन आ सकती है। इसके अलावा वेट लॉस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, स्टूल का मोशन का जो आपका कलर होता है वो चेंज हो सकता है, और आप में स्प्लीनोमिगैली भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एनीमिया कौन सी कैटेगरी की है, किस रीजन से है आपको, उसका भी कुछ आपको सिम्टम आ सकता है, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको एप्थे आ सकता है, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स अलग अलग टाइप के एनीमियाज में देखने को मिलते हैं। वैसे तो जो नॉर्मल न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी एनीमिया है वो आप अपनी डाइट को करेक्ट करके भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और अंडरलाइंग कॉज का पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस वजह से आपको डेवलप हुआ है। जब तक अगर उसको हम अंडरलाइंग कॉज को ठीक नहीं करते हैं तब तक हमारी एनीमिया जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं वो होता है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे पता चल जाता है कि आप में हीमोग्लोबिन या RBC की कमी तो नहीं है। अब मैं आपको इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इसके लिए दो मेडिसिन है मेरे पास, एक सिरप में है और एक टैबलेट फॉर्म में है। तो जो पहला सिरप है वो उसका नाम है फेरमसिप सिरप, जो SBL कंपनी का आता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है एनीमिया के केसेस में, स्पेशली फीमेल्स में अगर एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस वगैरह रह रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन डली हुई हैं, तो बहुत ही जल्दी आपका ब्लड लेवल बढ़ा देते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूसरी हमारी मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन No. 1, ये एनीमिया के लिए ही स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। जो फीमेल्स हैं जिनको सिरप लेना पसंद नहीं है या फिर जो बच्चे होते हैं जो सिरप नहीं ले पाते हैं, उनको ये टैबलेट फॉर्म में लेना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट आते हैं इसके भी। इन सारी मेडिसिंस को अगर आप रेगुलर लेते हैं तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो और बहुत जल्दी आपका एनीमिया जो है, आपके खून की कमी है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट का भी ख्याल रखना है। तो डाइट में कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ऐड करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके एनीमिया की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, इनमें से कोई एक मेडिसिन और जो डाइटरी चेंजेस मैं बता रही हूँ, अगर आप ये फॉलो करते हैं लगातार एक हफ्ते के लिए, 7 दिनों के लिए, तो इतने में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्लड का लेवल बढ़ गया, आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी डाइट में रखनी है वो है जैगरी या गुड़। गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बहुत सारा आयरन पाया जाता है, तो अगर आप गुड़ लेते हैं तो धीरे धीरे करके नेचुरली ही आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने लगता है। दूसरी चीज़ है पालक। पालक भी बहुत ही ज़्यादा रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट्स में, आयरन्स में, मिनरल्स में। थर्ड है बीट रूट या चुकंदर। चुकंदर में भी बहुत सारा फाइबर, मिनरल्स, आयरन, फोलिक एसिड पाया जाता है, जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है ब्लड को बढ़ाने के लिए। फोर्थ है अनार और फिफ्थ है खजूर या डेट्स, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं डेट्स आप में ब्लड लेवल को बढ़ाने के लिए। स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को, लैक्टेटिंग फीमेल्स को हमने अपनी फैमिलीज में देखा होगा कि उनको डेट्स देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, मिनरल्स होते हैं, तो ये बहुत जल्दी आप में ब्लड लेवल को बढ़ा देता है।
ये पांच चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए, और जो भी मैंने मेडिसिन बताई है उनमें से एक मेडिसिन आप ले सकते हैं। आप में अगर खून की कमी है, एनीमिया है, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एनीमिया के बारे में ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।